देखा उसको बनाने के लिए मैंने इस पीपीटी का इस्तेमाल किया हूं जो आपके सामने यहां पर ओपन है जैसे कि मैं आपको बताऊं ये सेकंड स्लाइड से जो है ये चार लोग ए बी सी डी यहां पर टोटली जो है मैंने 11 स्लाइड्स को इसको, इसको इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले वाली जो स्लाइड है ओके okay, फर्स्ट 15 सेकंड्स का जो वीडियो है उसको मैंने बनाया हूँ वीडियो स्क्राइब से और उसको इम्पोर्ट हम कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर भी हम ले सकते हैं तो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है कमाल की चीज़ है तो मैं आपको दिखाता हूँ पीपीटी के अंदर भी हम उसको उस वीडियो को ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो वो जो ऐप है जो वीडियो स्क्राइब है उसको हमने सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए यूज़ किया है अदरवाइज़ सभी जो है हमने बचा हुआ जो है सभी जो कुछ भी इफेक्ट्स है वो पावर पॉइंट के अंदर के ही है लेकिन वीडियो स्क्राइब ये ऐप बहुत ही अनोखा और बहुत ही मज़ेदार ऐप है जिसके बारे में आपको मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताता हूँ यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीडियो स्क्राइब इसको टास्क बार से मैं ओपन करता हूँ जैसे कि आप देख पाएंगे इसको क्रिएट न्यू स्क्राइब ओके यहाँ पर ओपन होने के साथ आप इसको नया स्क्राइब आप तैयार कर सकते हैं इस वीडियो स्क्राइब ध्यान में रखिए इस ऐप का नाम है जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले यहाँ पर लिखा था सपोज ओके देर आर फोर परसन पर्सन ओके और फिर यहाँ पर टिक मार्क जो है उसको क्लिक करें और ये यह यहाँ पर सामने आएगा इसका साइज भी आप रिसाइज भी आप इसको कर सकते हैं ओके okay, इसके एडिटिंग को भी आप कर सकते हैं इससे इसको और थोड़ा सा मैं कम करता हूँ एक कन्वीनियंट साइज़ का हम ले लेते हैं इसको ओके तो टेक्स्ट को कैसे आपको लेना है ये यह देखिए यहाँ पर ये यह जो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा है एड न्यू टेक्स्ट यहाँ से आपको टेक्स्ट लेना है और एक टेक्स्ट में यहाँ पर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर ए कॉमा बी सी कॉमा डी ओके ए बी सी डी और इस टिक को हम क्लिक करते हैं और स्कूटिक को क्लिक करने के साथ इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे कन्वीनियंट साइज़ का अब इसको प्ले करेंगे हम इसके ऑप्शनस में आपको दिखाता हूँ पहले तो जो है सपोज देर आर फोर पर्सन तो यहाँ पर जो है एक लेफ़्ट साइड में एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ है इसको क्लिक कीजिए आप और एनिमेट जो है वो सिर्फ आपको कम सेकेंड का रखना है अगर 5.5 पॉइंट सेकेंड का एनिमेट है यहाँ पर पॉज कब करना है और ट्रांजिशंस कितना देना है मगर ये कुछ इफेक्ट्स है इसको हम एनिमेशन uh, का टाइम यहाँ पर हम कम करते हैं ओके तीन सेकेंड और ये पॉज उसके बीच में जो जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड का और ट्रांजिशन यानी ने नेक्स्ट इफेक्ट में जाने के लिए बीच में जो है एक जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड का हम ट्रांजिशन इफेक्ट रखेंगे और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंटली ड्रॉ कहा गया है ओके okay, ड्रॉ और मूविन का भी इफेक्ट आपको मैं बाद में से बताऊँगा जब हम फोर पर्सन को ले लेंगे उनके इमेजेस ले लेंगे तब मूविन का इफेक्ट अच्छा देखेंगे अभी ड्रॉ ले लीजिए और या फिर ड्रॉइंग हैंड भी आप ले सकते हैं जैसे कि ये मैं आपको बताऊँ हैंड ओके यहाँ से इस तरह से ये अपने आप लिखने लगेगा। ओके okay, तो जो है यहाँ पर एक इसको टिक कर देता हूँ मैं और फिर इस इफेक्ट को जो है थोड़ा सा हम प्ले करेंगे देखो पहले से प्ले प्ले फ्रॉम स्टार्ट यहाँ से सपोज देर आर फोर पर्सन ओके ए बी सी और डी तो इस तरह से ये लिखता हुआ आपको दिखाई देगा अब जो इमेजेस आपको लेने हैं वो यहाँ से लेने हैं इम्पोर्ट एड न्यू इमेजेस ओके okay. इसको हम के है उसको हमने सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए यूज़ किया है अदरवाइज़ सभी जो है हमने बचा हुआ जो है सभी जो कुछ भी इफेक्ट्स है वो पावर पॉइंट के अंदर के ही है लेकिन वीडियोस्क्राइब ये ऐप बहुत ही अनोखा और बहुत ही मज़ेदार ऐप है जिसके बारे में आपको मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताता हूँ यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीडियोस्क्राइब इसको टास्क बार से मैं ओपन करता हूँ जैसे कि आप देख पाएंगे इसको क्रिएट न्यूज स्क्राइब ओके यहाँ पर ओपन होने के साथ आप इसको नया स्क्राइब आप तैयार कर सकते हैं इस वीडियो स्क्राइब ध्यान में रखिए इस ऐप का नाम है जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल मैंने पहले यहाँ पर लिखा था सपोज़ ओके देर आर फोर पर्सनस पर्सन ओके और फिर यहाँ पर टिक मार्क जो है उसको क्लिक करें और ये यहाँ पर सामने आएगा इसका साइज़ भी आप रीसाइज़ भी आप इसको कर सकते हैं ओके okay. इसके एडिटिंग को भी आप कर सकते हैं इससे इसको और थोड़ा सा मैं कम करता हूँ एक कन्वीनियंट साइज़ का हम ले लेते हैं इसको ओके okay. तो टेक्स्ट को कैसे आपको लेना है ये देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा है एड न्यू टेक्स्ट यहाँ से आपको टेक्स्ट लेना है और एक टेक्स्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर ए कॉमा बी d, सी कॉमा डी ओके ए बी सी डी और इस टिक को हम क्लिक करते हैं और इस टिक को क्लिक करने के साथ इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे कन्वीनियंट साइज़ का अब इसको प्ले करेंगे हम इसके ऑप्शंस में आपको दिखाता हूँ पहले तो जो है सपोज देर आर फोर पर्सन तो यहाँ पर जो है एक लेफ्ट साइड में एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ है इसको क्लिक कीजिए आप और एनिमेट जो है वो सिर्फ आपको कम सेकेंड का रखना है अगर 5.5 पॉइंट सेकेंड का एनिमेट है यहाँ पर पॉज कब करना है और ट्रांजिशंस कितना देना है मगर ये कुछ इफेक्ट्स है इसको हम एनिमेशन uh, का टाइम यहाँ पर हम कम करते हैं ओके okay. तीन सेकेंड और ये पॉज उसके बीच में जो जीरो पॉइंट का और ट्रांजिशन यानी नेक्स्ट इफेक्ट में जाने के लिए बीच में जो है एक जीरो पॉइंट का हम ट्रांजिशन इफेक्ट रखेंगे और यहाँ पर जो इम्पॉटेंटली ड्रॉ कहा गया है ओके okay, ड्रॉ और इन का भी इफेक्ट आपको मैं बाद में से बताऊंगा जब हम होर पर्सन को ले लेंगे उनके इमेजेस ले लेंगे तब इन का इफेक्ट अच्छा दिखेगा अभी ड्रॉ ले लीजिए और या फिर ड्राइंग हैंड भी आप ले सकते हैं जैसे कि ये मैं आपको बताऊँ हैंड ओके okay. यहाँ से इस तरह से ये अपने आप लिखने लगेगा ओके okay. तो जो है यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ मैं और फिर इस इफेक्ट को जो है थोड़ा सा हम प्ले करेंगे देखो पहले से प्ले प्ले फ्रॉम स्टार्ट यहाँ से सपोज देर आर फोर पर्सन ओके ए बी सी और डी ओके इमेज को यहाँ पर ओपन किया है मैंने ये इमेज ली थी ओके okay, यहाँ से आप एड सर्च टर्म भी कर सकते हैं जैसे कि आपको सर्च करना है मेन ओके okay, जो खड़े हुए इस तरह से आपको चार पर्सन अगर लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं या फिर एरोज है यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से इमेजेस है बिल्डिंग्स है ओके okay, ये जो क्लिप आर्ट्स है वो आप क्लिप आर्ट्स को लेकर ईजिली स्केच कर सकते हैं ओके okay, अगर आपको स्केचिंग नहीं आती है पेंटिंग नहीं आती है तो वो ये एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़फुल ऐसा ऐप है आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अब रिसेंटली यूज्ड जो है वो मैंने ये लिया था तो इसको हम ओपन करते हैं ओके okay, और इसको रिसाइज करके यहाँ पर नीचे लाएंगे और इसको किस तरह से ड्रा करना है एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ और फिर ड्रॉ के जगह मैं यहाँ पर इन करता हूँ ओके और उसके बाद ड्राइंग हैंड जो है वो ड्रॉ करने के लिए है लेकिन इसके लिए इन यानी फास्ट करने के लिए और एनिमेट जो नीचे का ऑप्शन है यहाँ पर एनिमेट तो इसको हम कम सेकेंड का रखेंगे टू सेकेंड का एनिमेशन यहाँ पर रखेंगे हम ओके और ट्रांजिशन ज़ीरो पॉइंट फाइव का और इसको टिक करेंगे अभी देखेंगे पहले से प्ले करेंगे हम इसको ये जो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉ मेथड में आएगा ए बी सी डी और उसके बाद ये जो है इन करता हुआ इस तरह से आएगा इसको और आप स्लो या फास्ट कर सकते हैं एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर इसी तरह से जो है इसको आपको कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है ओके यहाँ पर सेकेंड है जैसे इसके ऊपर यहाँ पर आया है इसको और कॉपी करके पेस्ट करना है आपको फिर और एक बार कॉपी सेकेंड्स का इस्तेमाल किया था फर्स्ट अब इसको हम पीपीटी में कैसे ले ले? तो यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर डाउनलोड और पब्लिश स्क्राइब वीडियो का ऑप्शन है यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर पावर पॉइंट का अच्छा सा ऑप्शन है इसलिए मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट के अंदर ही हम इसको ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर ये डाउनलोड होना जो है शुरू हो जाएगा तो देखिए अब ये थोड़ा सा इसका रेंडरिंग चालू है मतलब ये पीपीटी में जो है कन्वर्जन हो रहा है इसका तब तक हम देखेंगे कि जो इसको पीपीटी का लिए ओके आप ये कर सकते हैं आप पी पी में जो है हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया था कैंसल रेंडर कर देता हूँ मैं आपको और उसके बाद जो है यहाँ पर हम पी को ओपन करेंगे और फिर ये जो फोर पर्सन हैं तो ए बी सी डी जो सेकेंड स्लाइड है तो इसके अंदर नीचे आपको टाइप करना है सिंपली टाइप करना है कोई भी एनिमेशन नहीं देना है लेकिन ये सेकेंड और थर्ड स्लाइड के बीच में जो है वो आपको यहाँ पर ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देना है और फर्स्ट स्लाइड जो है वो फर्स्ट स्लाइड तो हमने वीडियो कन्वर्ट किया है वहाँ पर फर्स्ट 15 सेकेंड्स की इसको अगर मैं यहाँ पर स्लाइड शो करके अगर करंट स्लाइड को अगर फुल करके आपको दिखाऊं ओके okay, तो यहाँ पर ये यह वीडियो यहाँ पर ऐसे इस तरह से प्ले हो जाएगा छोटा से हमने फोर पर्सन को ले लिया है अब इसके बाद हमें चार टेक्स ले लेते हैं सेपरेटली ए ओके और इसको टिक करो तो जो इस ए को जो है वो फर्स्ट पर्सन के बाद में लेकर जाना है आपको और ये जो ए यहाँ पर हमने टाइप किया इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और फर्स्ट पर्सन के यहाँ पर ऊपर रखना है पेट के ऊपर ओके okay, इसी तरह से इसको कॉपी कीजिए फिर पेस्ट कीजिए हैं और फिर जो इसको टिक करके बी को लेना है बी को और थोड़ा सा बड़ा करना है और ये सेकेंड पर्सन के बाद लेना है ओके okay, तो उसके शर्ट के ऊपर वो लिखता हुआ आपको दिखाई देगा और उसके बाद इसी तरह से जो है आपको थर्ड लेना है ओके okay, यहाँ पर ये यह टेक्स्ट है और यहाँ पर सी टाइप करें आप और फिर इसको टिक करें और इस सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर और एक टेक्स्ट लीजिए यहाँ पर डी और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए ओके okay, ये जो डी को है थोड़ा सा और बड़ा कीजिए तो इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा ओके okay, तो सेकेंड पर्सन के बाद आपको सी लेकर जाना है थर्ड पर्सन के बाद तो इस सी को हम ड्रैक करते हुए जो है वो थर्ड पर्सन के सामने लेंगे और डी को फोर्थ पर्सन के सामने रखेंगे ओके okay, तो यहाँ पर हमारे चार पर्सन हो गए यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन ए सेकेंड पर्सन बी सी और डी अब इसको प्ले करके देखेंगे हम के okay, पहले से प्ले करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है जो है वो ड्रा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और सेकेंड जो है फिर इस इमेज़ को इमेजेस आएंगे और उसके ऊपर ये पेन से ए लिखा जाएगा ओके फिर बी और ये पेन से जो है उसके बाद बी लिखा जाएगा और उसके बाद जो है वो सी और फोर्थ डी ओके तो ऑटोमेटिकली ये प्ले होगा इसको और थोड़ा सा तेज़ी से करने के लिए फ़ास्ट करने के लिए जो है आप इसको एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा सकते हैं ओके जैसे कि यहाँ पर ए है एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ और इसको थोड़ा सा और कम करो एनिमेट ज़ीरो पॉइंट फाइव ट्रांजिशन बिल्कुल भी मत रखो ज़ीरो पॉइंट जीरो और टिक कीजिए उसी तरह से बी और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर एनिमेट वन सेकेंड का है और ट्रांजिशन ज़ीरो ओके और उसके बाद जो है ये सी उसके बाद ये ट्रांजिशन 0.5 और ओके अब फिर से प्ले करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ए बी सी डी ये फास्ट यहाँ पर लिख कर आ रही है या नहीं ए बी सी डी इसको भी हम और फास्ट कर सकते हैं ओके ए और उसके बाद बी अब मूविन का जो स्पीड है वो थोड़ा सा हमको यहाँ पर बढ़ाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो ये जो पर्सन है तो इसके ऊपर जो एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दो सेकेंड का एनिमेशन है तो इसको और कम करते हैं हम एक सेकेंड और ट्रांजिशन बिल्कुल ज़ीरो ओके okay, फिर इसको टिक कीजिए और फिर सेकेंड पर्सन है यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको एनीमेट एनिमेशन में जो है एक सेकेंड का इफेक्ट दीजिए और इसको ट्रांजिशन में ज़ीरो फिर टिक कीजिए फिर थर्ड पर्सन है फिर इसको जो है आप क्या कीजिए एनिमेशन में एक सेकेंड का इफ़ेक्ट दीजिए और फिर ट्रांजिशन में ज़ीरो ओके और उसके बाद जो है ये डी इसके लिए भी एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ आप कीजिए यहाँ पर वन सेकेंड और यहाँ पर ज़ीरो ओके तब टोटल जो सेकेंड्स हुए हैं हमारे अब यहाँ तक अभी तक तो बीस सेकेंड हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्वेंटी पॉइंट फाइव और आप कम कर सकते हैं आप जो है इसे वीडियो स्क्राइब ऐप को जो है डाउनलोड करके इस तरह से वीडियो आप बना सकते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले से प्ले करके 20 सेकेंड्स का वक्त है हमारे पास सपोज़ देर आर फोर पर्सन ए बी सी और डी अब थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट होंगी तो यहाँ पर वीडियो प्ले हुआ है सपोज़ देर आर फोर पर्सन ए बी सी डी और ये फोर पर्सन को हमने ले ले लिया है यहाँ पर तो इस तरह से जो है जैसे हमने उसमें इफ़ेक्ट दिया था उसी तरह से यहाँ पर ये पावर पॉइंट के अंदर प्ले हो रहा है ओके okay? तो इसको और मैं मिनिमाइज़ करता हूँ सेकेंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड के बीच में जो है यहाँ पर सेकेंड स्लाइड के नीचे लिखा है मैंने इफ़ ए एंड सी आर फ्रेंड्स ओके और फिर जो है यहाँ पर लिखा है इफ़ ए इज़ करोना सस्पेक्ट एंड ही मीट सी तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट में जो है अपने आप ये इसी लेटर से ये लेटर चेंज हो जाएंगे और ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ से देना है आपको ट्रांजिशन वाला इफेक्ट कौन सा देना है मॉर्फ वाला इफेक्ट देना है मॉर्फ और कैरेक्टर्स और फिर उसके बाद मॉर्फ इफेक्ट ऑप्शन और कैरेक्टर्स ओके तो यहाँ पर यह चेंज होता हुआ दिखाई देगा और ये फोर पर्सन जो है यस डब्ल्यू एफ इमेजेस आपको लेने हैं गूगल से ओके और उसके ऊपर ये पावर पॉइंट के अंदर ही ए बी सी डी इस तरह से लिखना है ओके क्योंकि हम जो वीडियो स्क्राइब ने हमने तैयार किया है उस तरह से हमको दिखाना है अगर हम चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो उसी तरह से हमको यहाँ पर पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद फिर सो ए पासिस बाय बी टू मीट सी ओके तो इसके लिए हमने क्या किया है? यहाँ पर ये ए पर्सन को सी पर्सन की तरफ खींचा है इसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पर थर्ड स्लाइड को डुप्लीकेट स्लाइड करनी है और फिर जो है वो ए पर्सन को यहाँ पर सी के पास लेकर आना है और फिर जो है बीच में जो है आपको ट्रांजिशन मॉरफॉल इफेक्ट देना है जो कि मैंने यहाँ पर दिया हूँ और फिर स्लाइड शो को आप जो है थर्ड स्लाइड से स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड कीजिए और ये अपने आप स्मूथली जो है ओके यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला आपको इफेक्ट देना है यानी मॉर्फ ट्रांजिशन जो है ये ट्रांजिशन मॉर्फ और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर जो है आपको ऑब्जेक्ट ओके तो ये इस तरह से मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा फिर से एक बार देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड स्लाइड है ओके okay, इसको स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड और यहाँ पर ये नजदीक जाएंगे इस तरह से और उसके बाद जो है आपको सिक्स स्लाइड में डी को जो है थोड़ा सा डिस्टेंस देना है तो ये इसको फिफ्थ स्लाइड को आपको डुप्लीकेट करना है और फिर फिफ्थ स्लाइड को डुप्लीकेट करके आपको इसको ये जो डी पर्सन है तो ये इसको आपको किनारा देना है थोड़ा सा यानी ये अब होम क्वारंटाइन या फिर ये होम स्टे होम का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर चला जाएगा अब इसको स्लाइड शो आ, ट्रांजिशन इफेक्ट देना है हमको ट्रांजिशन मॉर्फ और फिर इफेक्ट के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स ओके तो ये आपने आप यहाँ पर जाता हुआ आपको दिखाई देगा ओके इस तरह से ये मुँह होगा अब जो उसी के बाद जो है आपको ये लेना है तो इसके अंदर रखने हैं तो ये शेप्स को जो इफेक्ट आपको देना है वो एनिमेट करना है इसको ये पर्सन के ऊपर रख के जैसे कि मैंने यहाँ पर वाइप वाला इफ़ेक्ट इसको दिया हूँ ओके तब जाकर जो है यहाँ पर ये अगर हम इसको वाइप वाला इफेक्ट देंगे तो ये इस तरह से होम क्वारंटाइन या फिर उसको सेपरेट उसका आइसोलेशन किया गया है ये इसका मतलब है और फिर ये प्लस कुछ ऐसे साइन जो है अस्पताल को रिप्रेजेंट करने वाला आप यहाँ पर इंसर्ट शेप के अंदर से जो है जाकर यहाँ पर ये आप ये वाला जो है शेप ले सकते हैं और उसको बढ़ा करके जो है इसको इस पर्सन को जो है इसके अंदर लॉक कर सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के लिए और नीचे जो है टेक्स्ट इसी तरह से टेक्स्ट को कुछ एनिमेट नहीं करना है आपको बल्कि ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देना है मॉर्फ टेक्स्ट वाला इफेक्ट देना है तब जाकर जो है वो अपने आप वो लेटर से वो लेटर चेंज हो जाएंगे ओके अब इसके बाद जो है डी को आपको वा एग्जिट वाला इफेक्ट देना है एनिमेशन के अंदर जाकर जो है ये एग्ज़िट ज़ूम वाला इफेक्ट देना है जिससे ये पर्सन इस तरह से चला जाएगा और फिर उसी तरह से आपको अब जो रिमूव करना है पर्सन वो है सी ए वाला पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इसको भी हम एनिमेशन में फ्लाई आउट वाला ऑप्शन देंगे तो ये जो है इस तरह से फ्लाई आउट हो जाएगा और फिर और उसके नीचे लिखना है ए गोज़ टू आई सी यू एंड डाइज ओके और उसके बाद यहाँ पर ये सी रिमेंस इन क्वारंटाइन स्टेट ओके तो इसको भी हमको क्वारंटाइन स्टेट के लिए भेज देना है यहाँ पर फेड वाला इफेक्ट देना है एनिमेशन के अंदर तो इस तरह से ये चला जाएगा बचेगा जो है सिर्फ बी जिसके सर्च में हम यहाँ पर हैं नाउ वी आर इन सर्च ऑफ बी हु इज इन इनक्यूबेशन पीरियड एंड हिडन सस्पेक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं कि जिनके लिए जो है अभी ये पीरियड सेफ है लेकिन अब जो है जाकर वो उनकी बीमारी बाहर आएंगी और लोगों को पता चलेगा कि ये जो है करोना, करोना सस्पेक्ट है और फिर उसके संपर्क में जो भी लोग आएंगे तो वो करोना अफेक्टेड हो जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से मैसेज देना है समझे जो सो एज टू मेक अस बीवेयर फ्रॉम बी बी से हमको बीवेयर करने के लिए सावध सावधान करने के लिए इन प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम बिकमिंग फ्यूचर ए बी सी ए जो कि हॉस्पिटल में मर चुका है बी जो कि ये पर्सन है फ्यूचर uh, सस्पेक्ट और जो है ये सी जो कि परमानेंटली क्वारंटाइन स्टेट में है और वो भी डाई हो सकता है तो हमको डी यानी घर में रह कर जो है सेफ रखा गया है इसीलिए वी हैव हाँ बीन मेड टी डी जो घर पर रहा हु स्टेड होम एंड स्टेड सेफ़ और जो सेफ भी रहा तो इसलिए प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ जी और जी ने दो ओके okay, दोस्तों तो इसके बाद जो है आप इस पीपीटी को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि आप जानते होंगे कि पीपीटी को वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो ये पूरी जो ग्यारह स्लाइड्स है तो उसको हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर फाइल के अंदर जाकर जो है आपको क्या करना है सिर्फ जो है एक्सपोर्ट के अंदर जाना है और एक्सपोर्ट से जाकर क्रिएट अ वीडियो और उसके बाद जो है यहाँ पर हर एक स्लाइड को तीन सेकेंड देना है और या फिर चार सेकेंड पाँच सेकेंड भी दे सकते हैं जिस तरह का लेंथ आपको चाहिए वीडियो का उस तरह से और उसके बाद जो है क्रिएट वीडियो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो उसके बाद जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जो है आपका एमपेग एक्सटेंशन वाला वीडियो डाउनलोड हो जाएगा ओके okay. okay. साथ हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और नए नए एक्साइटिंग फ़ीचर्स के साथ पावर पॉइंट जो है एक एक समंदर की तरह है इसके अंदर आप जितनी डुबकियाँ लगाओगे उतना कम है बहुत सारे एक्साइटिंग एक फ़ीचर्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस के लिंक को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शब खैर धन्यवाद स्टे होम स्टे सेफ